और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 3,498 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 3,86,452 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 3,498 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बेलगाम कोरोना होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी चपेट में हर कोई आता हुआ। तो लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, संक्रमितों की संख्या में रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना का कहर राज्य राज्य बरप रहा है और ऐसे में हिंदुस्तान के लिए अब कोरोना से जंग मुश्किल होती जा रही है। तमाम चुनौतियों का सामना अलग अलग शहरों में, राज्यों में अस्पतालों को करना पड़ रहा है, जिससे निपटने की हर पुरजोर कोशिश की जा रही है, हर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आंकड़े आप देखिए, देश में 24 घंटे में 3,86,452 केस सामने आए हैं, 4 लाख के बेहद करीब आंकड़ा। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से ठीक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था और अब जो टेस्ट हुआ है वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है सीएम योगी की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये अहम जानकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद कुछ दिनों के इलाज के बाद आज वो स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हालांकि खुद को आइसोलेट किया गया था और साथ ही कामकाज लगातार जारी था और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बहुत ही ज्यादा बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है और अभी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कोरोना की इस चेन को ब्रेक किया जाए और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पहले वीकेंड लॉकडाउन लगा था लेकिन उसे बढ़ाकर अब 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आम आदमी पार्टी विधायक शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अस्पतालों में ना ऑक्सीजन है ना ही दवाइयां है, ये शोएब इकबाल की तरफ से कहा गया। विधायक होते हुए भी मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मरीजों को कोई मदद नहीं मिल रही है, ये शोएब इकबाल की तरफ से। एक तरफ देखिए किस तरीके से संकट गहराता हुआ कोरोना का नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में ये असंतोष के सुर। आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहाँ से ला के दूँ, इंजेक्शन कहाँ से ला के दूँ। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए, बच्चियां तड़प रही हैं, कोई दे दो अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा, ना दवाई मिल रही, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने MLA होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही कि हम किसी के काम नहीं आ सके, सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से MLA हूँ दिल्ली में, सबसे सीनियर एक ही MLA हूँ लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूँ कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट पूर्ण प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। तो शोएब इकबाल जो कि कहते हुए दिल्ली की स्थिति बहुत ही खराब है, ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएगी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और इस छापेमार कार्रवाई में 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने साथ ही 196 नकली रेमडेसिविर भी बरामद कर लिए हैं। 25,000
में बेचा जा रहा था ये नकली इंजेक्शन। देखिए, एक तरफ जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और इस तरह की धांधली भी हो रही है, लोग नकली दवाएं बनाकर बेच रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 25,000 में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस को बेचने का ये धंधा चल रहा था, कालाबाजारी भी देखने को मिलती है किस तरह से। अब कालाबाजारी के खिलाफ अब एक्शन में आ चुकी है सरकारें, प्रशासन, लेकिन देखिए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर हालात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, मंत्रिपरिषद के साथ सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो लगातार पूरे देश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, कहां कहां पर किन किन चीजों की जरूरत है, कहां पर किस चीज की किल्लत है, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से सिस्टम को और दुरुस्त किया जाए, क्या खामियां सिस्टम में देखने को मिल रही हैं, किस तरह से मंत्री लोगों के बीच जाएं और उनसे संवाद करें, उनकी मदद करें, इसकी भी अब जरूरत है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्शन में पीएम मोदी बैठक करेंगे और क्या कुछ बैठक में चर्चा हो सकती है ये आप अंदाजा लगाइए। रणनीति की समीक्षा हो सकती है, वैक्सीनेशन पर जरूर चर्चा होगी क्योंकि कल ही से शुरू होने वाला है महाअभियान। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी एक और महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे बुलाई गई है मंत्रिपरिषद के साथ। कोरोना वायरस से संक्रमण का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, देश मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है और कई राज्यों में संसाधनों की कमी देखी जा रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार दिन रात 24 घंटे काम कर रही है, हर एक मंत्रालय इस रण में अपनी भूमिका निभा रहा है और इस बीच में महामारी के महासंकट पर महामंथन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ बैठक करने वाले हैं। एक्शन में पीएम, निकलेगा कोरोना का दम, महामंथन से निकलेगा मुश्किल का रास्ता, महामारी को मारने का फॉर्मूला मिलेगा आज। तो इस महामारी पर कैसे काबू पाना है इसको लेकर आज बैठक बुलाई गई है। इस वक्त मेरे सहयोगी सुमित मौजूद है दिल्ली से सीधे लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक भी खुद मान रहे हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है और अपने दोस्त का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि एक विधायक होने के नाते मैं इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं अपने दोस्त के लिए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों की हालत क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, आपने सही कहा और दिल्ली सरकार के जो तमाम अस्पताल हैं उनकी जो हालत है इस वक्त वो खास्ता हाल है, क्योंकि वो बात की जाए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की या फिर LNJP की या फिर इस अंबेडकर हॉस्पिटल की बात की जाए, हालत जो है वो खास्ता हाल है। और देखिए यही वजह है कि जब मीडिया कवरेज के लिए यहाँ हमारे सहयोगी हितेन पहुँचे थे तो अस्पताल की बौखलाहट यहाँ देखने को मिली, क्योंकि लगातार हम सच्चाई दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के जो तमाम अस्पताल हैं उनकी हालत इस वक्त खास्ता हाल हो रही है और इसी को देखते हुए बौखलाहट में यहाँ मारपीट भी हमारे सहयोगी के साथ की गई है और ऐसे में लगातार स्थिति जो है आप समझ सकती हैं कि अस्पताल जो है अपनी जो कारगुजारी है जिस तरह से आप समझ सकती हैं कि लापरवाही के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटी अस्पताल के अंदर नहीं है अगर वो हम उसे दिखाते हैं तो अस्पताल की बौखलाहट सामने आती है। तो हालांकि इस पूरे मसले को लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी की है और दो गार्ड को यहां से डिटेन किया है और अपने साथ ले गई है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार अस्पताल देखिए और सुमित तमाम चुनौतियां तो पहले ही हमारे पास हमारे सामने थी ही कि जिस तरह से हमने देखा कि अस्पतालों में बदहाली, तमाम चीजों की किल्लत, जरूरी दवाएं लोगों को नहीं मिल रही, उस बीच अभी एक और चुनौती कि अस्पतालों का रवैया इतना गलत है। अगर मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह की बदसलूकी की जा रही है तो एक आम मरीज जब मदद मांगने पहुंचता होगा तो उसके साथ कैसा रवैया दिखाते होंगे। बिल्कुल मल्लिका, आपने सही कहा, आम जो मरीज है उनको तो एंट्री नहीं मिलती है। आप तमाम तस्वीर हम पिछले कई दिनों से दिल्ली के तमाम अस्पतालों की दिखा रहे हैं, आम लोगों को तो इस गेट के अंदर ही एंट्री नहीं मिलती है। हालांकि हम लोग जो खबर दिखाते हैं उसका असर होता है, लेकिन आज सुबह जो यहाँ हुआ है वो आप समझ सकते हैं कि इस अस्पताल में
किस तरह से यह अस्पताल खस्ता हाल हो चुका है। बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा यहाँ कुछ नहीं है और यही छिपाने की एक तरह से कोशिश अस्पताल प्रशासन की ओर से किया गया था। और खासकर यहाँ जो गार्ड थे, जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, उन्होंने हमारे सहयोगी हितेन के बिल्कुल साथ सुमित, यानी कि एक ऐसा ये बंधक बनाने की भी इस मुद्दे पर भी अब मंथन होना चाहिए कि अस्पतालों का ये जो रवैया हम देख रहे हैं, इस तरह का रवैया वो ना करें। कोई रेगुलेटरी कमिटी होनी चाहिए, कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए अस्पताल प्रशासन पर भी, और उन पर भी नजर रखी जानी चाहिए। आपके पास लौटेंगे सुमित, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। तो लगातार जी हिंदुस्तान हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बैठक होनी है, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।